दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव राजपूत अपनी लविंग वाइफ के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल से एंजॉय, दिल से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि लाइक करो, कमेंट करो, बेल आइकॉन भी दबाओ और सब्सक्राइब भी करो, लेकिन दिल से। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए आज रिव्यू होगा दोस्तों अपनी शुद्ध शाकाहारी खाने वाले दोस्तों के लिए। तो दोस्तों, आज का प्रोडक्ट क्या है उसके लिए तो देखना पड़ेगा आपको, वो भी दिल से। तो दोस्तों, मैं तो तैयार हूँ और आप भी तैयार हैं, तो चले क्या? अरे नहीं, इन्हें भी तो चलना है। चले। तो आप भी तो तैयार है ना, तो चलिए। तो दोस्तों, आज मटन कीमा ऑनेस्ट रिव्यू। मटन कीमा किट है ये और ये है गुड। तो देखिए इसमें क्या क्या है। ये वेगन है, वेगन मतलब कि ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है जो पौधों से बनता है कुछ इसी तरीके से। इसके प्रोडक्ट हैं इजी टू कुक है, ये हाई प्रोटीन है, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल और हाई डाइट्री फाइबर, यानी बहुत बेहतरीन है ये वेजिटेरियंस के लिए भी और जो डाइट को फॉलो करते हैं उनके लिए भी। तो आज है मंगलवार, तो अनमटन कीमा ट्राई करेंगे हम। पीछे एक रेसिपी बहुत ही खूबसूरत सी रेसिपी दी है, ईजी टू कुक। तो इसकी जो भी रेसिपी है, बॉयल करना है, किस तरह से उसे निखारना है, फिर उसमें मसाला किस तरह मिलाना है और किस तरह से तैयार करना है, तो उसी को फॉलो करेंगे। रेट इसका, इसका प्राइस 350, ऑफर में 200। जी हाँ, तो ये अनमटन कीमा गुड डॉट का द बेस्ट कीमा हैपन्स टू बी प्लांट बेस्ड है ये। तो प्लांट बेस्ड को कहते हैं वेगन और ये ग्रीन जो डॉट है ये है एश्योरिटी कि ये है वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। तो बहुत सारी इसमें प्रोमिसज दिए गए हैं, बताया गया है कितनी इसकी वैल्यू है पर ग्राम, कैलोरीज, प्रोटीन, सब कुछ बताया गया। और सबसे अच्छा कि ये प्रोडक्ट है इंडिया का, मेड इन इंडिया। जी हाँ, तो अभी आज मंगलवार है तो हम ट्राई कर रहे हैं वेजिटेरियन कीमा। बॉक्स खोला है तो इसमें क्या क्या निकला है। निकला है एक अनमटन कीमा का पाउच, एक साथ में कीमा मसाला का जो कि थोड़ा लिक्विड लग रहा है, और साथ में एक खड़े मसाले और एक जान खड़े मसाले, एक उसमें निकला हमारा छोटा सा मेजरमेंट कप। तो ये चार चीजें इसमें। तो अभी रेसिपी की तरह हम इसको करेंगे ट्राई। तो करते हैं शुरुआत, वो भी दिल से। तो हमने सबसे पहले एक पतीले में यानी भगोने में पानी, बताया गया था 1 लीटर पानी, मैंने बिस्लेरी की एक बोतल ली 1 लीटर वाली और उसको पानी को बॉयल होने रख दिया। पानी जब आपका बॉयल होने लगे, यानी हमने रखा पानी, अब इसमें उबाला आने लगेगा, तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे अनमटन कीमा जो कि देखने में कैसा लग रहा है वो हम खोल कर पता लगाएंगे। देखते हैं इसको, तो ये है कुछ कुछ सोयाबीन की तरह लेकिन ये ड्राई रोस्ट किया हुआ है। तो अभी तक तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सोयाबीन है, कुछ खास फ़र्क मुझे नज़र नहीं आया है। 200-300 रुपये का प्रोडक्ट, 300 रुपये का। तो ये है आपका ड्राई रोस्ट सोयाबीन की तरह है, लेकिन इसकी बनने के बाद क्या ये मसाला है जो थोड़ा लिक्विड मुझे लग रहा है, अंदर कुछ लिक्विड है। तो इसको भी काट के देख लेते हैं, अभी इसमें से देखते हैं। जैसे हम सिलबट्टे में जो चटनी पीसा करते थे, तो कुछ उसी तरीके का मसाला पीस के इस पाउच में प्रिजर्व किया गया है और काफ़ी लिक्विड मसाला है, यानी जो हम सिलबट्टे पर पीसते थे। कुछ लोगों को याद भी आ गया होगा, जिस जिसको याद है वो ज़रूर कमेंट करे। तो वो मुझे वही मसाला याद आ गया है, देखिए। और खुशबू बहुत लाजवाब है, खुशबू मसाले की अच्छी है। और ये सूखे खड़े मसाले जिसमें जावित्री है और दालचीनी है, बड़ी इलायची, सारे मसाले लगभग जो मटन में हम डालते हैं एक मेजरमेंट के हिसाब से, आधा किलो कीमा के हिसाब से, 600 ग्राम, आधा किलो से ऊपर ही है यानी कि उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। तो उसके साथ एक मेजरमेंट कप, और चटनी देखिए कितनी थिक है। पानी हमारा उबलने लगा, हमने इसमें डाला है अपना कीमा। जी हाँ, और ये रेसिपी हम दिखा रहे हैं उल्टी, यानी कि आपको थोड़ी अपनी कलाकारी, कीमा वापस आ रहा है प्लेट में, कमाल, लाजवाब, बेहतरीन और गजब। तो ये हमारी एडिटिंग का कमाल। अभी हम डाल रहे हैं कीमा उबलते पानी में और देखते हैं कि खुशबू इसमें कैसी आती है, सोयाबीन जैसी या कुछ अलग, क्योंकि जो ड्राई रोस्ट था उसमें कोई पता नहीं लग रहा था खुशबू का,
अभी जब ये बॉईल होने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे सोयाबीन के जो ग्रैनुल्स हम बॉईल करते हैं सेम खुशबू आती है। कुछ लोगों को, मुझे ये सोयाबीन बॉईल होने की खुशबू ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन नहीं हैं। तो अब करते हैं, 6 चम्मच डाला मैंने इसमें तेल, 6 चम्मच लिखा गया तो मैं जो टेबल स्पून है वही 6 चम्मच डालूंगी। नॉन स्टिक में पका रही हूँ उसको, पूरा 1 मिनट मुझे इस मसाले को ड्राई रोस्ट नहीं 30 सेकेंड, यानी कि आधा ही मिनट करना है, हाँ आधा मिनट तो करना आधा है। मिनट कर लेते हैं क्योंकि मसाला सच में बहुत खुशबू छोड़ रहा है और ये वाले मसाले वैसे भी खुशबू छोड़ते हैं। 2 मैंने डाली इसमें हरी मिर्च क्योंकि ये हमारी रेसिपी में लिखा है, मैं बिल्कुल रेसिपी को फॉलो कर रही हूँ, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालूंगी। अभी बारी है मेरे लिक्विड मसाले की, यहाँ जी हाँ वही जो हम लोग सिलबट्टे पे पीसा करते थे उसी तरीके का मसाला। तो इसमें हल्का सा पानी डाला क्योंकि बहुत ठीक है ये, और इसको करेंगे बहुत अच्छे से भुनाओ। मुझे ऐसा लग रहा है ये मसाला पहले से भुना है लेकिन फिर भी मैं इसे अच्छे से भून दूंगी। अभी एक उसने जो मेजरमेंट कप दिया है कि उस कप में आप 2 कप लगभग या 4 कप ग्रेवी अपने हिसाब से बनाइए, तो मैंने डाली है सिर्फ 3 कप। अभी मेरे जो सोया ग्रैनुल्स थे उनको मैंने पानी से निकाल लिया, साफ़ पानी से धो लिया और पिछले पानी को हटा दिया। बॉयल पानी को हटाने के बाद जो साफ़ ग्रैनुल्स निकले उसको मैंने डाल दिया अपनी ग्रेवी में। और ग्रेवी देखिए कुछ खास कलर अभी इसमें आया नहीं है, तो अभी यहाँ तक तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हमारे मटन की बराबरी नहीं कर रहा। उसको रख देंगे, कवर कर देंगे, 15 मिनट इसको रखना है ताकि मसाले आपस में मिल जाएं। अभी कलर आने लगा है। साथ में तैयारी कर लेते हैं सलाद की, और नींबू, हरी मिर्च और प्याज। और अभी मेरा ये तैयार हो गया है अनमटन कीमा, यानी वेजिटेरियन कीमा। द बेस्ट कीमा हैपन्स फ्रॉम द बेस्ट प्लांट बेस्ड। तो देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। अब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करा, सिर्फ क्या किया मैंने अपनी तरफ से, डाला इसके ऊपर बटर बटर। तो दोस्तों दिल में क्यों रखना, जी, खाइए ना अनमटन तो कीमा। वैसे मैं चाहती थी कि आपको बिल्कुल जो उसका टेस्ट है वही बताऊं, लेकिन अभी खाना आप भी जानते होंगे कि इंडिया की थाली में ज़्यादातर होता है कि रोटी सूखी नहीं दिखाई जाती या दी भी नहीं जाती है, सबसे पहले रोटी पर घी ज़रूर लगाया जाता है। तो उसी आदत के मुताबिक मैंने मक्खन डाल दिया, लेकिन करते हैं टेस्ट, मक्खन से खास टेस्ट बदलेगा नहीं। तो अभी करते हैं टेस्ट, ऑनेस्ट रिव्यू देंगे शीरो को, जी हाँ वही बताएंगे ये कीमा है कि नहीं, हम लोग तो खा कर क्या बताएंगे। तो शीरो ने अभी पहले तो इसको देखकर मुंह पीछे कर लिया लेकिन खा लिया, यानी कि तो ये कुछ पास हो गया भाई, यानी कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ है। तो अभी हम लोग भी खाकर देखेंगे, पहला ऑनेस्ट रिव्यू, इसको सच में कहते हैं ऑनेस्ट ऑनेस्ट रिव्यू। रिव्यू, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मटन को बहुत दूर से पहचानते हैं और इनसे इन्हें सोयाबीन नहीं खिलाई जा और सकती, इसकी गारंटी है कि प्योर वेज है तो ये दोस्तों। ऑनेस्ट रिव्यू बहुत अच्छा बना है। और हमने भी बने रहिएगा जिंदगी के सफर में गुजर।